खाद्यान्न पर्ची सत्यापन के लिए बीपीएल परिवारों के सर्वे को लेकर पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक भी लामबद्ध हो गए हैं। रतलाम जिले में पटवारी महासंघ और आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता संगठन खुद को इसमें शामिल करने पर सवाल खड़े कर चुका है। शनिवार को जिला स्तरीय पंचायत एवं रोजगार सहायक संगठन ने भी कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अन्य सदस्यों के नहीं आने पर खुद भी बीपीएल सर्वे करने से इनकार कर दिया है। रतलाम शहर के कलेक्टर कार्यालय तक रैली और नारेबाजी करते हुए पहुंचे पंचायत सचिवों ने कहा कि सत्यापन कार्य के लिए जिले के विभिन्न ब्लॉक में दो दलों का गठन किया गया है, लेकिन इन दलों में शामिल अन्य सदस्य नहीं आ रहे हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है खाद्यान्न पर्ची का सत्यता की जाँच करने का, उसके तहत में शासन द्वारा दो सदस्यीय दल बनाया गया है और दोनों दल को मिलकर उसको काम को करना है, परंतु हमारे साथ जो टीम लगे उसमें दूसरा दल के सदस्य आ ही नहीं रहे। उसी का विरोध में हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय और जिला सीओ को लेट दिया, ज्ञापन दिया है कि जब तक दूसरा दल हमारे साथ नहीं आएगा, दूसरे दल का सदस्य हमारे साथ नहीं आएगा, तब तक हम इस काम को आज के बाद नहीं करेंगे। शासन द्वारा जो खाद्यान्न पर्ची बताई जा रही है, खाद्यान्न पर्ची के संबंध में हमें एक शासन के अनुसार एक दल बनाया गया था और दल के द्वारा ही यह कार्य संपादित किया जाना, परंतु कुछ लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी निरस्त करा लिए, इसलिए वो दल कार्य नहीं कर। शासकीय एम्प्लाइज जो भी शासन ने जो दल बनाया है उसके साथ जैसे कृषि वाले हैं, अपने पटवारी राजस्व वाले हैं, आंगनबाड़ी है, ADO PCO है। रतलाम से चेतन शर्मा की रिपोर्ट।